मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 22 जिलों में अगले 3 दिनों तक बेमौसम बरसात का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ 7 मार्च से 9 मार्च के बीच बरसात होने का अनुमान जताया गया है। इसी तरह मुंबई और इसके आसपास के इलाकों और कोंकण क्षेत्र में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कम दाब का क्षेत्र तैयार हुआ है, इस वजह से दक्षिण भारत के इलाकों में बरसात शुरू है। दूसरी तरफ उत्तर में चक्रवाती हवाओं की वजह से उत्तरी भागों में भी बरसात होने की संभावना है। इन सब का प्रभाव महाराष्ट्र पर पड़ेगा और 7 मार्च को उत्तर महाराष्ट्र और उत्तर विदर्भ और 8-9 मार्च को महाराष्ट्र के कई इलाकों में बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अंदाज के मुताबिक मुंबई समेत पुणे, अहमदनगर, कोल्हापुर, सातारा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, धुले, नंदुरबार, नासिक, जलगांव, पालघर में बरसात होने का अनुमान है।